तो क्या हाल चाल है, मेरा नाम विशाल कुमार है। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में सुपर हीरो एरा। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकी सीरीज के 6 एपिसोड के बारे में। आज हम इस वीडियो में लोकी की एपिसोड 6 की हिडन डिटेल और जो ईस्टर एग मार्वल ने प्रोवाइड करा है वो डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम ट्रेवल का यूज करे हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा ये एपिसोड के बारे में रिव्यू कर लेते हैं कि एपिसोड कैसा था। वैसे ये एपिसोड तो बहुत ज़्यादा ऑसम था। इसमें ज़्यादा फाइटिंग सीन्स या कुछ एक्शन सीन देखने को नहीं मिला जैसे हमारे टिपिकल मार्वल की मूवी में देखने को मिलता है। या इसकी भी हाइप अप थी कि कैंग द कॉन्करर होगा इसके अंदर विलन, तो वो अच्छी टक्कर देगा फाइटिंग में लोकी को या सिल्वी को। बट इस सीरीज में बिल्कुल अपोजिट हुआ। कैंग द कॉन्करर निकला पर उसका दूसरा वर्जन विलन निकला और इसी वर्जन के अंदर वो पीस में बिलीव करता था और वो अच्छा वर्जन था, तो उसने लड़ाई तो नहीं करी। बट इस एपिसोड ने लोकी की सीजन 1 को तो कंप्लीट कर दिया, साथ ही साथ सीजन 2 के लिए नए बहुत सारे गेट खोल दिए हैं जो आएगा भी। और मार्वल ने कंफर्म करा है कि सीजन 2 भी आएगा लोकी का, बिकॉज लोकी की हाइप अप देखने के बाद मार्वल को लगा कि सीजन 2 में निकालना चाहिए लोकी की। वैसे लोकी की सिर्फ एक ही सीजन होने वाला था सीजन 1, सेकंड सीजन का कोई इन्होंने प्लान नहीं करा था मार्वल ने। बट लोकी सीरीज इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था फैंस के बीच में और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को तो दिन पर दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे लोकी की सीरीज की वजह से, तो मार्वल ने डिसाइड करा कि लोकी की सीरीज को 2nd सीजन को भी कंटिन्यू करेंगे और इसके लिए कुछ चेंजेस करे गए हैं लोकी के अंदर जो हमें देखने को मिला है। मतलब डिज्नी प्लस पर एपिसोड 1 रिलीज करने के बाद एपिसोड 6 का प्रोडक्शन खत्म। आज की एपिसोड कितनी मस्त एपिसोड थी, मीन्स लोकी का जो एपिसोड 6 है जो फाइनल एपिसोड आया था कितना मौसम था। पहले तो देखने के बाद हक्का बक्का रह गया था मैं कि मैंने ये क्या देख लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब दिमाग से ऊपर जा रहा था। मीन्स मतलब ये नहीं समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये सब क्या दिखा दिया एक एपिसोड में इतना कुछ दिखाना, और मार्वल ने इतना सब कुछ औसम चीज़ करे। वहाँ अगर हम उसको कंपैरिजन करें डीसी के तरफ से तो डीसी ने तो अभी तक मल्टीवर्स का तो स्टार्ट भी नहीं करा है और मार्वल ने स्टैब्लिश करके एक्सप्लेन करके मार्वल ने मल्टीवर्स को क्रिएट कर दिया है। और मल्टीवर्स क्रिएट हुआ है मीन्स अभी हमें औसम से औसम चीज़ दिखाई देगी। अगर आपको ये छोटी बात लग रही है ना तो ये देख लो, एमसीयू में एक्समैन का आने का रीज़न मल्टीवर्स है बस। नहीं जो स्पाइडरमैन 3 आ रही है नो वे होम, जिसमें हमें बोल रहे 3 स्पाइडरमैन दिखेंगे, 2003 वाला, 2011-12 वाला और अभी जो हमारा टॉम हॉलैंड वाला है, वो कहाँ से आएगा? वो मल्टीवर्स से आएंगे। इस लोकी का सीरीज का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर कि इतने औसम कंटेंट मार्वल हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हमें कंज्यूम करते करते ही माइंड ब्लो हो जाएगा। मतलब अभी तो मार्वल कह रहा है कि अभी अपने पैर पसारे हैं, तुम सब तो अभी देखते रहो अभी हम क्या करेंगे। और धीरे हमारा डीसी अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, अभी बर्ड्स ऑफ प्रे का ट्रेलर लॉन्च करेगा आजकल में। उससे पहले डीसी ने मूवी लॉन्च करी थी, जस्टिस लीग स्नाइडर कट था उसकी मूवी लॉन्च करी थी, उसके बाद डीसी शांत सा रह गया। बट मार्वल ने इतनी ज़्यादा सोच दे दी है, मूवी दे दी ब्लैक विडो की, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर दे दिया, वांडा विजन दे दिया, अब लोकी की सीरीज ख़त्म कर दी, अभी व्हाट इफ सीरीज आने वाली है, उसके बाद नए नए टीवी सीरीज आएगी, मूवी भी आ रही है सेंची की अभी कुछ महीनों के अंदर। तो मार्वल का तो कंटेंट ख़त्म नहीं हो रहा, मार्वल तो और प्रोड्यूस कर रहा है और इतने अच्छे कंटेंट बनाएगा फ्यूचर में। तो एक्समैन इंक्लूड होगा, स्पाइडरमैन की नई मूवी और क्या क्या चीज़ हमें मार्वल दिखा सकता है, बस मैं तो वो ये देख के खुश हो रहा हूँ। और जब ये एपिसोड ख़त्म होता था हमें लग रहा था मार्वल ने कितनी चीज़ें रिप्रेजेंट करा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्वल ने जो इस एपिसोड के अंदर सीक्रेट टाइमलाइन का जो भी कलर और कॉन्ट्रास्ट जो रिप्रेजेंट करा है वही कॉन्ट्रास्ट और कलर लोगों में यूज़ करा है कुछ के अंदर। आपको अगर एग्जांपल दूँ, अगर आपके स्क्रीन में दिख रहा है तो इसके अंदर क्वांटमेनिया के अंदर जो वही कलर यूज़ हुआ है जो हमारे सीक्रेट टाइमलाइन को और मल्टीवर्स टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करा गया है इस सीरीज के अंदर कलर के थ्रू। और हमारा स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर स्पाइडरमैन का जो कलर है वही सेम कलर हमारा सीक्रेट टाइमलाइन में यूज़ करा हुआ है इस एपिसोड इस सीरीज के अंदर।
अगर आपने लोकी सीरीज अच्छी तरह से देख ली है या आप अपने उसको लोकी सीरीज को पूरा भी कर लिया है तो आपने 80-90% मार्वल के मल्टीवर्स को अच्छी तरह से समझ लिया है। बस जो 10-20% है वो हम आने वाली मूवी के अंदर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे मार्वल अपनी स्टोरी के साथ, स्टोरी लाइन के साथ। बट फ्यूचर में हमें देखने को मिलता है कि कब लोकी की सेकेंड सीजन आएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली अगले साल आएगा, जैन के अंदर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और इसके जो साल ख़त्म होते होते हमें लोकी का सीरीज सीजन टू देखने को मिलेगा। बिकॉज़ ये बहुत बड़ी बजट की मूवी भी, बड़े बजट की सीरीज़ है और टाइम लगता है सीरीज़ बनने में और प्रोडक्शन ये स्टार्ट करेंगे। बिकॉज मार्वल का भी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है, उन सबको मार्वल छोड़ नहीं सकता और लोकी की सीरीज़ को भी छोड़ नहीं सकता, तो उसको भी कंटिन्यू करेगा जो अगले साल जैन की स्टार्टिंग में प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं ईस्टर एग, जो हिडन डिटेल्स हैं जो मार्वल ने प्रोवाइड करे हैं हमें इस एपिसोड के अंदर। ये एपिसोड स्टार्ट होता है बिग बैंग की थ्योरी के साथ, कैसे ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, हमें लोगों देखने को मिला था और वो लोगों के अंदर बहुत सारे जो एमसीयू के फेमस कोट थे वो हमें सुनाई दिए गए थे, जैसे कि हमारा फैल्कन का वे टू गो टाइट फ्रॉम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, वकांडा फॉर एवर, ही इज फ्रेंड फ्रॉम वर्क, आई कैन डू दिस ऑल डे, डोरमामो आई हैव कम टू बार्गेन, और वट इज ग्रीफ इफ नॉट लव प्रोस्पेक्टिव एंड। और जो लास्ट कोट था वो था ओपन योर आईज, जो लास्ट एपिसोड में लोकी को लोकी ने बोला था लोग आंखें खोलने के लिए। ये सुपर हीरो की कोट्स थे एमसीयू के अंदर। और उसके बाद हमें और कोट देखने को मिले थे जिसके नेल्सन मंडेला का, ग्रेटा थंबर्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड अदर्स, सिल्वी एंड लोकी जहाँ पे पहुँचते हैं वो कार्सल सेम होते हैं कॉमिक बुक में जो दिखाया गया था कैंग द कॉन्करर का, और यहाँ पे ही हू रिमेन के पास वो कार्सल होता है। अब देखा जाए तो ही हू रिमेन और कैंग द कॉन्करर सेम है, बस डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन के हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट्स हैं, वो दोनों अलग है। जैसे कि लोकी सिल्वी लोकी ही है बट बहुत ज़्यादा दोनों अलग है। और फिर सिल्वी और लोकी जैसे अंदर जाते हो वैसे मिस मिनट आ जाती है उनके पास बार्गेन करने के लिए, मींस जो तुमने कर रहे हो वो तुम्हारी प्रीडिस्टेंट थी, और उसको लालच देती है जो हमें देखने को मिलता है इस सीन के अंदर, और लोकी और सिल्वी उसको रिजेक्ट कर देते हैं वो सब लालचों को। जैसे स्टार्टिंग में सीरीज चल रही थी हमें फैंस को लग रहा था कि मिस मिनट ही मास्टर माइंड है, बट एक तरह से लोकी को बार्गेनिंग कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है एक लिफ्ट खुलती है, उसमें से निकलता है ही हू रिमेन। हम सबको पता है वही है जिसने टीवी को बनाया है सिल्वी का असली दुश्मन। इस सीरीज में लोकी ने जिसको ढूंढना था वो ही हू रिमेन ही था, और ये सब मिलते हैं इस एपिसोड में इस कार्सल के अंदर। बट हमें देखने को बात ये थी कि ही हू रिमेन को सब पता था क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, ही हू रिमेन को सब पता था, और यही चीज़ ही हू रिमेन के फेवर में हो जाती सिल्वी भी उसके बातों में आ जाती। बट सिल्वी इसके बातों में इसलिए नहीं बिकॉज सिल्वी बचपन से लेके अभी तक भाग रही थी TVA एंड अदर विलन्स के खौफ में। सिल्वी इस टाइम के बीच में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती थी, उसके ज़्यादातर दोस्त नहीं थे। जो मिस मिनट लोकी को ऑफर देती है वो सपने से लोकी के बड़ा ऑफर था, बिकॉज लोकी का जो भी मकसद था इस दुनिया में रहने तक और TVA से पकड़ने से पहले, तो सब एक ही बात में पूरा जाता अगर वो मिस मिनट की बात मान लेते। बट लोकी का सपना था क्या? लोकी का सपना था एस्गार्ड पर राज करना, थैनोस को हराना, या थैनोस से जो भी इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट होंगे वो सारा छीन के खुद यूज़ करना, मिडगार्ड पर राज करना मतलब अर्थ पर राज करना, अवेंजर को हराना और एस्गार्ड पर राज करना, उसके भाई को हराना उसका सपना था। और वो सारा मिस मिनट उसको ऑफर देती है, पर वो अब तो प्यार में पड़ चुका है तो वो सारा ऑफर नहीं लेता, ठुकरा के और वो नए रास्ते पे निकल जाता है जो है किंग द कॉन्करर, मींस ही हू रिमेन को ढूंढना। हम नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं लोकी एंड सिल्वी जब एंटर करते थोड़ा और अंदर, तो हमें देखने को मिलता है 3 टाइम कीपर के स्टैचू जो थे सेम थे, बट वहाँ पे हमें चोटी भी देखने को मिलती है, बट वो टूट चुकी होती है और वो फर्श पे गिरी होती है। मोस्ट प्रोबेबली जो 4 स्टैचू थी ये ही हू रिमेन की खुद की स्टैचू थी, जो मे बी कुछ हुआ हो पास्ट में जिसकी वजह से
जिसके वजह से वो स्टैचू टूट गई हो, और ये हमें देखने को मिलेगा सीजन सेकंड के अंदर। हम सबको पता है जो भी ये नेक्सस इवेंट या जो भी मल्टीवर्स क्रिएट हुआ है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के आगे सारा कनेक्ट होगा और जिसकी स्टोरी हो उसके बाद आगे बढ़ेगी। और हमारे ये र्यूमर में निकल के आ रहा है कि लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर दिख सकता है मे भी कुछ समझाने के लिए, क्योंकि लोकी को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका है, जो भी सारे नेक्सस इवेंट है ये सब है, इन सब का ज्ञान बहुत ज़्यादा लोकी को हो चुका है। तो लोकी में भी दिख सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। और उसी की कंटिन्यूटी करते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हमारा ही हु रिमेन एप्पल खाता है, और वो एप्पल एक तरह से रेफरेंस है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के मूवी के लिए। मीन्स वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को जो प्रैक्टिस करता है बुक से, वो एक एप्पल पे करता है, पहले एप्पल को पूरा करता है फिर उसको खाया हुआ ख़त्म करता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे एक थोड़ा रेफरेंस था कि ह्यू रिमेन एप्पल खा रहा है, और वही एप्पल मतलब ह्यू रिमेन टाइम के परे है, टाइम उसका कुछ नहीं मार सकता बिकॉज उसने करोड़ों साल जिए हैं और वो छोटी मोटी बात नहीं होती, इतना तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी नहीं किए होंगे। इसी लिफ्ट के अंदर ही हु रिमेन बचता है जब सिल्वी उसको अटैक करती है टाइम के मदद से। हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है B-15 एक कहीं जाती है 2018 कहीं प्लेस में, और वहाँ पे उसके साथ उसका जो TVA के मेंबर्स होते हैं उसके पीछे कर रहे होते हैं B-15 को पकड़ने के लिए। बट B-15 को चलाकी से स्कूल में लेके जाती है जिस स्कूल में रेवोना रेंसलेयर पढ़ा रही होती है, मीन्स वहाँ पे वो प्रिंसिपल होती है, और उसमें TVA वाले का जो एजेंट होता है वो बोलता है मैम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो बताती है तुम हो कौन, और वो B-15 उसको ये समझा रही होती है उस एजेंट को कि हम सब एक ह्यूमन है जो अर्थ पे रहते थे, बट TVA ने अपने कंट्रोल में लेने के बाद हमारी ज़िंदगी तबाह करने के बाद TVA में काम करवा रहा है हमें मजदूर की जैसे, जहाँ पे सैलरी के नाम पे कुछ नहीं है, 24 घंटे काम करना है। और इसी सीन में हम देख सकते हैं पीछे एक सर्टिफिकेट है जो प्रिंसिपल या जो टीचर होते हैं उनको मिलता है, और वो 100 पीस के लिए अपने वॉल पर लगाते हैं। और उसी वॉल के अंदर हम देख रेवोना रेंसलेयर का रियल नेम, उसका रियल नेम होता है रेबिका टोरमेंट। फिर हमें कुछ आगे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ही हु रिमेन एक्सप्लेन करता है लोकी और सिल्वी को कि मेरे साथ हुआ क्या था और मैं यहाँ पे कैसे आया, कि जैसे जैसे हमने डिस्कवर करा था बहुत सारे मल्टीवर्स है और 31st century का एक रेफरेंस दिया था, और 31st century से कौन आया था, यस हमारा जो मेन विलेन है कैंडी कॉनकरर आया था, और ये बता रहा है कि उस मतलब हमारे जैसे कि और जो वेरिएंट है, मेरे जैसे टाइप के और वेरिएंट है, वो 31st century से आए थे और उसमें से एक कैंडी कौन कर रहा है, इसका बुरा वाला वेरिएंट और ये अच्छा वाला वेरिएंट है। ये बताता है कि मैं साइंटिस्ट था और मैंने जो अपने जैसे लोगों के साथ मिला हूँ और मैंने नए नए रिसर्च को करा था, पहले जब मिले थे तो हमने हाय हेलो बहुत अच्छे से बात हुई थी, बट हमने एक दूसरे के बीच में खोट हो गई थी और वो खोट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक दूसरे को मारने बटोला हो गए थे और सब लड़ते लड़ते एक बचा था जो ही हु रिमेन था, और ही हु रिमेन ने TVA को बनाया, सीक्रेट टाइमलाइन को बनाया, और उस सीक्रेट टाइमलाइन से जितने भी मल्टीवर्स को क्रिएट होते थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता था। और मीन्स इसका मतलब ये जो अभी तक मल्टीवर्स MCU के अंदर एग्जिस्ट नहीं था वो ही हु रिमेन ही कंट्रोल कर रहा था, बट अब ही हु रिमेन चला गया है तो मल्टीवर्स के दरवाजे खुल गए हैं। और बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय।